हाँ, रिमझिम बूंदों से शुरुआत हो गई सावन की। हिंदू धर्म में वैसे तो सभी महीनों का विशेष महत्व है, लेकिन सावन का महीना बेहद खास माना जाता है। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित होता है। मान्यता है सावन के महीने में जो भी पूजा पाठ की जाती है उसका विशेष फल प्राप्त होता है, और इस बार तो सावन पर काफ़ी अद्भुत संयोग बन रहे हैं। सावन इस साल विशेष इसलिए भी है क्योंकि सावन के महीने की शुरुआत भी सोमवार से हो रही है, और इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ेंगे जो बेहद शुभ माने जाते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष फल प्राप्त होता है। मान्यता है इस दिन जो भी भक्त पार्वती और भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सावन के सोमवार में भगवान भोलेनाथ की जो भी श्रद्धा के साथ पूजा करता है उसे मनचाहा वर या वधु की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सावन के सोमवार का व्रत रखने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है और राहु केतु का अशुभ प्रभाव भी दूर होता है। पर सावन महीना 22 जुलाई 2024 से प्रारंभ हो रहा है। सावन के महीने को भगवान शिव के सभी भक्त कांवड़ के रूप में मनाते हैं, और इस सुहाने मौसम में मैं भी निकल पड़ी कांवड़ भक्तों से मिलने के लिए। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और जय शिव शंकर भोलेनाथ। आज मैं जा रही हूँ देखने के लिए कि कांवड़ सेवा के लिए क्या क्या प्रबंध किए गए हैं, और मैं बाजार की रौनक देखने जा रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ बने रहिए, चलते हैं। इस बार सावन के मौसम में बारिश तो ज़्यादा नहीं हुई, बादल बनते हैं और थोड़ी सी ही फुहार पड़ती है, और उसके बाद बादल हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन मौसम सुहावना है। देखो इतने सुंदर ऊपर बादल हैं। तो इस आज सुहावने मौसम में मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे आज देखने जाना है कि कांवड़ यात्रा के लिए भक्त कैसे जा रहे हैं और बाज़ार में कैसी रौनक लगी है। तो मैं आई हूँ अपने बेटे के साथ, और रास्ते में ये देखो बड़े से एरोप्लेन को देखकर मेरा हमेशा मन करता है कि मैं इसको पास से देखूँ। तो बेटे ने साइड में गाड़ी रोक ली और मैंने इसको बहुत अच्छे से देखा। पास में ही हिंडन एयरपोर्ट है, तो इसलिए ये एरोप्लेन यहाँ पर लोगों को देखने के लिए लगाया हुआ है। ये बहुत ही सुंदर है, और इसके ऊपर बादलों का नज़ारा तो और भी सुंदर लग रहा है। मैंने अच्छे से वहाँ खड़े होकर आज अपने दिल की तमन्ना पूरी की, और ऊपर देखो बादल तो हैं लेकिन बारिश नहीं है। पता नहीं इस बार बारिश क्यों नहीं हो रही। और फिर आगे बढ़ने पर इतना प्यारा बादलों का मौसम, और साथ में ये देखिए कि मुझे कांवड़ भक्त मिले। मैंने इनसे बातें की। जय भोलेनाथ जी। जय भोलेनाथ। जय शिव शंकर। आप लोग आज जा रहे हो? तो कितने दिन में पहुंचोगे? अभी 3 घंटे में। अच्छा, और वापसी? वापसी 2 दिन। चलो भगवान का नाम लेते हुए जाना और सबसे गले मिलते जाना। बिल्कुल कुछ ऐसी बात नहीं करना बेटा जिससे अपने घर वालों को परेशानी हो। चलो जय भोलेनाथ जी। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। भगवान आपकी यात्रा सफल करे। आप लोग कांवड़ लेके जा रहे हो भैया? भैया आप भी कांवड़ के लिए जा रहे हो? कांवड़ के लिए जा रहे हैं। अच्छा, अभी आ जाओगे? हाँ, अभी तक लेंगे थोड़ी देर। तो आप ये बहन जी से इसलिए कपड़े ले रहे हो? अच्छा, चलो भगवान आपकी यात्रा सफल करे, और भाईचारे से जाना, सब प्रेम से जाना। प्रेम से जय शिव शंकर बोलते हुए, ठीक है। कांवड़ भक्तों से बात करके बहुत ही मन को प्रसन्नता हुई। ऐसे लगा जैसे हम भी इस यात्रा में उनके साथ हैं, और 15 अगस्त भी आ रहा है, तो चारों ओर शिव जी के झंडे और तिरंगे झंडे, इससे पूरी सड़कों में इतनी रौनक है, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की सड़कों पर बहुत ही कलरफुल लग रहा है सब। और ये भैया भी देखो भगवान शिव की कितनी सारी इन्होंने टी शर्ट्स रखी हुई हैं, झंडे रखे हुए हैं, उससे अपनी दुकान को सजा रहे हैं। भगवान शिव सबकी मनोकामना पूरी करें। और ये देखो एक ये ऑटो वाले भैया, इन्होंने अपने ऑटो को कितना सुंदर सजाया हुआ है।
भगवान श्री कृष्ण जी, राधा जी, शिव जी, पार्वती जी, इतना प्यारा इन्होंने अपने ऑटो को सजाया है। और ये भी हरिद्वार जाकर गंगा जल लेकर आएंगे। हर भक्त अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी अपनी रुचि के अनुसार कांवड़ यात्रा में भाग ले रहा है। भगवान इन सब की यात्रा सफल करे और हमारे देश में सब भाईचारा बना रहे। और ये देखो, सोसाइटी वाले भी कांवड़ भक्तों के लिए कितने अच्छे अच्छे इंतज़ाम कर रहे हैं। ये 2 घंटे में बनकर तैयार हो जाएगा, फिर यहाँ लंगर पानी की व्यवस्था की जाएगी, कांवड़ भक्तों के लिए सोने का इंतज़ाम किया जाएगा। नयम कहाँ जा रहे हैं? गुम्मी 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 किनाया कले घूम लो सीटी वाली गेम जो थी भाभी मेरी जीटी है अब खेलते जाओ चुपचाप जानी यस पापा ईटिंग शुगर जल्दी बोलो जल्दी जल्दी नो पापा टेलिंग लाई ओपन योर माउथ और सावन माह की शुरुआत में ही हम निकल पड़े दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में शिव जी के दर्शन करने के लिए और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। सावन के महीने में हरी चूड़ियों का बहुत महत्व है, तो हम सब हरी हरी चूड़ियाँ भी लेंगे और भगवान जी के दर्शन भी करेंगे। साथियों, ये है दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर, आप भी सब दर्शन कर लो। और रात के समय भारत की राजधानी दिल्ली की रौनक देखते ही बनती है। यहाँ की सड़कें, यहाँ की रोशनी इतनी ज़्यादा प्रभावित करती है कि मन करता है कि वहाँ पर खड़े रहो और पूरी रात इसी तरह घूमते रहो। दिल्ली की सड़कों पर रात की रोशनी में घूमना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ की चित्रकारी से सजी हुई सुंदर सुंदर सड़कें मन मोह लेती हैं। दिल्ली की इन सुंदर सड़कों को देखकर आपका भी अंदर से बहुत मन कर रहा होगा कि किसी दिन रात के समय पूरी दिल्ली घूमी जाए। सच में बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। जगह जगह फुहारे चल रहे होते हैं और रोशनी तो इतनी है कि पता ही नहीं लगता कि दिन है या रात है। और मेरी इस वीडियो से आप भी दिल्ली के दर्शन कर लीजिए। और लीजिए, हम पहुंच गए दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में। दिल्ली का सबसे प्राचीन मंदिर है और कितना विशाल है। यहाँ के वृक्ष देखने से ही पता लगता है कि ये कितना प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर भगवान जी की मूर्तियाँ जैसे अभी बोल उठेंगी। अंदर वाली बेल बजाओ, बेल बजाओ, बेल। जय करो, जय जय, इधर जय जय करो, इधर भगवान जी को जय जय कर दो। जय जय करो भगवान जी को। शनाया इतने भक्ति भाव से भगवान जी की जय जयकार करती है। और ये है मुख्य मंदिर श्री हनुमान जी का। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आ गए चूड़ियाँ चढ़वाने। और सबसे पहले हमने शनाया को चूड़ियाँ चढ़वाईं। देखो कितनी खुशी खुशी ये चूड़ियाँ पहन रही है। और चूड़ियाँ पहनने के बाद कितनी खुश है ये, दोनों हाथों को छनका छनका कर बता रही है कि देखो मैंने चूड़ियाँ पहनी हैं। इस मंदिर में चूड़ियों की इतनी वैरायटी है और इतनी ज़्यादा दुकानें हैं कि पूरी दिल्ली में और कहीं इतनी अच्छी चूड़ियाँ नहीं मिलती। मेरी दोनों बहुएँ भी अपने लिए चूड़ियाँ देख रही हैं। मैंने भी अपने लिए चूड़ियाँ पसंद कर ली हैं। और ये भाई साहब मेरे लिए चूड़ियों का सेट बना रहे हैं। मैंने हरी और गुलाबी रंग की चूड़ियाँ ली हैं। अब ये भाई साहब मेरे को चूड़ियाँ पहना रहे हैं। मुझे इनका चूड़ी पहनाना बहुत अच्छा लगता है। पहले ये दुआ पढ़ते हैं और उसके बाद बहुत ही अच्छे तरीके से चूड़ियाँ चढ़ाते हैं, मजाल जे कि कोई चूड़ी टूट जाए या लग जाए। हर त्यौहार पर मैं यहीं पर ही आती हूँ, मेहंदी लगवाने भी और चूड़ी चढ़वाने भी। मेरे त्यौहारों का और मेरी खुशी का राज यही है
कि इतने अच्छी जगह पर आकर पहले भगवान जी की पूजा करते हैं और फिर त्यौहार के लिए सजावट भी यहीं से करते हैं। और इन दोनों भाई बहनों को देखो क्या मस्ती के मूड में है। बहन तो बहुत ही खुश है भाइयों के साथ। और ये लो जी, सज गया मेरा हाथ सावन के लिए। इस तरह हम भगवान जी के दर्शन करके हाथ में चूड़ियाँ चढ़ा के आ गए चाय पीने के लिए मंत्री जी की दुकान पर। ये है मंत्री जी चाय वाले, इनकी चाय बहुत टेस्टी होती है। साथ में यहाँ मस्का बंद भी मिलता है, बंद के ऊपर मक्खन लगा हुआ। और यहाँ गुलाब जामुन, रसगुल्ले, और तो और यहाँ पर बंदर भी बहुत सारे हैं। और ये देखिए पूजा की सामग्री, बच्चों के खिलौने, क्या कुछ नहीं है यहाँ। तो इस तरह भगवान जी के दर्शन करके और हरी हरी चूड़ियाँ खरीद कर अपने परिवार के शुभकामनाओं और सारा सामान खाकर हम अपने घर हंसी खुशी वापस आ गए। मन बहुत खुश हुआ। आज सुबह से ही कांवड़ यात्रा के दर्शन करके और भक्तों से मिलके भी दिल प्रसन्न हुआ। तो साथियों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बोलिए जय शिव शंकर भोलेनाथ जी, सबकी कांवड़ यात्रा सफल हो। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँगी, इसके लिए मुझे प्रोत्साहन की ज़रूरत है। उसके बाद आ रहा है तीज का त्यौहार और आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि इस बारी मैं तीज कहाँ मनाऊँगी और कैसे मनाऊँगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और मेरी वीडियोस को देखिए कि इस बार मैं तीज कैसे मनाती हूँ और कौन सी जगह जाकर मनाती हूँ